संयोग है कि लेखिका रचनाकार स्त्री, अनुवादिका अनुवादन स्त्री और मथुरा में आज इस कार्यक्रम में बोलने वालों में हम दो वक्ताएं या वक्तागण स्त्री, विषय स्त्री का पक्ष और इसमें इस प्रकार से सुनना न शुरू करें कि स्त्री बोलेगी तो कहानी गुम हो जाए, कहानी तो आएगी, स्त्री बोलेगी तब आएगी और स्त्री चुप रहेगी तो ही कहानी बनती है, कहानी दोनों स्थितियों में बनती है। और दिलचस्प बात यह है कि लेखिका ने इस उपन्यास में इस तथ्य को पकड़ा है और खुद इस उपन्यास की पंक्तियाँ इस बात की गवाही देती है कि कहानी बनने के लिए बहुत कुछ की ज़रूरत नहीं, कहानी अपने आप बनती है, कहानी कहीं से भी बनती है और कहानी किसी की भी हो सकती है, लेकिन अगर औरत की हो और उसमें सरहद आ जाए तो कहानी को बनने से कोई नहीं हो सकता। तो स्त्री कहेगी, स्त्री लिखेगी, स्त्री चुप रहेगी और स्त्री संवाद करेगी तो कहानी बननी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेखिका ने एक पंक्ति उपन्यास में उद्धृत की है और मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ कि जो केले के पात में पात पात में पात, क्यों ज्ञानी की बात में बात बात में बात, और ये कहानी भी बात बात में बात की कहानी है। कहानी की संरचना जिस तरह से की गई है, लेखिका कई जगह उसे गाथा कहती है, कई जगह कथा कहती है, कई जगह कहानी कहती है और एक जगह दास्तान कहती है। और जितनी दफ़े इन तमाम शब्दों का जो कि टर्म्स हैं अलग अलग कहानी के स्टोरी टेलिंग के अलग अलग टर्म्स हैं इस्तेमाल करती हैं, वो सारे टर्म्स इस उपन्यास में घुल मिल कर आते हैं। कभी लगता है कि हम दास्तान गोई की पेशेंट से गुजर रहे हैं, कहानी के भीतर से कहानी निकलती चली जाती है और आखिरी जो सरहद हद सरहद जो हिस्सा है तीसरा खंड है इस उपन्यास का, वहाँ तो कहानी के भीतर तीन चार कहानियाँ फ्लैशबैक में चलती हैं। माँ अपनी बेटी को सुनाती है और उससे कहानी का बहुत सारा जो झोल है, मैं इसे स्ट्रक्चर के लिहाज से झोल कहूँगी क्योंकि शुरुआत के 200-250 पन्ने तक पाठक को ये पता ही नहीं चलता कि कहानी दरअसल विभाजन की कहानी है और बहुत बाद में पता चलता है तीसरे हिस्से तक जाकर कि कहानी वास्तव में विभाजन की कथा है और उसका सूत्र जो है उस टूटी हुई मूर्ति से जुड़ता है जो खंडित मूर्ति के तौर पर घर के आलमारी में और उस आलमारी में जो जहाँ वृद्धा माँ को रखा गया है, चूँकि वृद्धा माँ का जो कमरा है वो शायद घर के अन्य कमरों से इतर और अलग है, विशिष्ट है, जहाँ अन्य लोगों की जो बाहरी लोग हैं उनकी विशेष आवाजाही नहीं है और शायद घर के लोग भी कम ही आते हैं अपनी ज़रूरत और वृद्धा की सेहत के बारे में तस्दीक करने पूछने ही आते हैं और एक रूटीन वर्क की तरह ही आना जाना होता है। तो उस आलमारी में जिस तरह से वो बुद्ध की और वृद्ध बुद्ध की, आपने लाफिंग बुद्धा सुना होगा, जब से चाइना का मार्केट हमारे यहाँ पसरा है हम घर घर में आप एक दूसरे को उपहार देते हैं और बातचीत करते हैं टोकन और सगुन के तौर पर भी लाफिंग बुद्धा दिया लिया जाता है, पर यहाँ जो बुद्ध हैं ये वृद्ध बुद्ध हैं, ये बोधिसत्व हैं जो तपस्या से छीज गए थे और बूढ़े हो गए थे और उनका शरीर जर्जर हो चुका था और बाद में जब उनको आहार करवाया गया, भोजन दिया गया, तब उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया। ये परवर्ती कथा है पर लेखिका को बुद्ध के और बोधिसत्व के और बौद्ध धर्म के बहुत सारी चीज़ों से यहाँ कोई लेना देना नहीं। धर्म यहाँ टोकनिज्म के तौर पर, प्रतीक के तौर पर आया है और वो धर्म प्रेम का प्रतीक है। कहानी को अगर खोलना है तो यहाँ से देखना चाहिए।
इस कहानी के का फलक इतना बड़ा है कि 176 पन्ने का ये उपन्यास, एक दो पन्ने का नहीं। और जब धर्मराज जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी है, इस उपन्यास की 2 कॉपी मेरे पास दिल्ली में पड़ी हुई थी और मेरी माँ ने पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा था मैं तसल्ली से पढ़ लूँ, कुछ और काम में व्यस्त थी तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जब यहाँ बोलना था तो मैंने लगकर ये 376 पन्ने पढ़े और उससे मेरा फायदा हुआ। और ये कई बातें जो सोशल मीडिया पर और कुछ एक आध प्रोग्राम्स वगैरह में जो रेत समाधि को लेकर कही गई और जिस तरह की चर्चा चल रही है, उसमें एक चीज़ लगता है कि जो पहचान के कैटेगरीज हैं, कोटियाँ हैं पहचान की, उसमें धर्म एक बहुत ज़बरदस्त कोटी है। ये मेडिवल कोटी है, मध्यकालीन कोटी है धर्म पहचान की, जहाँ वो इंसान को एक आइडेंटिटी में बांधता है, वो हिंदू है, मुसलमान है, हिंदू है तो उसमें भी और कई कई सेगमेंटेशंस हैं, तो वहाँ वो बांधता है। तो पहचान की एक कोटी धर्म है। बुद्ध की मूर्ति प्रतीक है, बुद्ध केवल बुद्ध नहीं है, बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रणेता भी है। तो धर्म आता है, लेकिन धर्म का जो रूप है वो पहचान की कोटि को लेकर नहीं आता। ये दिलचस्प है, इस उपन्यास की ताकत है कि पहचान की जितनी मेडिवल कोटियाँ हैं और जितनी मॉडर्न कोटियाँ हैं, दोनों का नेगेशन इस उपन्यास में है। और इस उपन्यास की जो खूबी है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण बनती है कि इस उपन्यास को देखने का जो नज़रिया है वो एक स्त्री का नज़रिया है। मैंने इसीलिए स्त्री पक्ष लिखा। स्त्री जब धर्म को देखती है, स्त्री जब आधुनिक पहचान के तमाम रूपों को देखती है, और स्त्री जब खुद एक आइडेंटिटी के तौर पर अपने को आइडेंटिफाई करती है, अपने को चिन्हित या पहचानती है, तो किस तरह की विमर्श सामने आती है। इस लिहाज से इस उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए। धर्म की कोटी का बिल्कुल नेगेशन इस उपन्यास में है। बौद्ध धर्म का प्रतीक व बुद्ध की मूर्ति जो पाकिस्तान से अनवर के प्रेम के प्रतीक के रूप में चंदा या चंद्रप्रभा देवी लेकर भारत चली आई थी खैबर पास से होते हुए, और वह खंडित मूर्ति जो उनके भारतीय पति को, जिसका नाम उपन्यास में कहीं नहीं है, उपन्यास में इस पक्ष पर मैं बाद में बात करूँगी कि उनका जो हिंदू पति है, भारतीय जिसकी पहचान भारतीय के रूप में है, वह उस पति को वह मूर्ति एक खुदाई में मिलती है और वो लाकर मूर्ति घर में ले आते हैं, क्योंकि अजायब घर में वो देने से उनको बहुत ज़्यादा कीमत मिल सकती थी उस मूर्ति की, लेकिन उन्होंने अपनी उस नौकरी में उसको एक अचीवमेंट की तरह देखा और उसे घर ले आए उस मूर्ति को। और ये जानते हुए भी कि वो बहुत कीमती मूर्ति है, घर में एक विश्वास के कारण कि खंडित मूर्ति को रखा नहीं जाता, उसे कबाड़ की तरह या एक अयाचित वस्तु की तरह माँ की कपड़े में रख दिया जाता है, अलमारी के पीछे, कपड़े के पीछे, ताकि सहज ही निगाह लोगों की ना पड़े। जाहिर है ये एक टोटका या अंधविश्वास, जैसे जो भी कहें, आखिर अवचेतन या चेतन में हम जितना भी सजग होकर किसी चीज़ को नेगेट करें, निषेध करें, उसका जो संस्कार हमारे चले आते हैं वो लेखिका के भी संस्कार हैं, और इसलिए ये वहाँ जुड़ जाता है एक वाक्य कि इसलिए कि खंडित मूर्ति हिंदू घरों में ये मान्यता है कि खंडित मूर्ति घरों में नहीं रखी जाती। और लेखिका धर्म के मैं जिसको उनकी उनके उपन्यास लेखन का महत्वपूर्ण पक्ष बता रही हूँ, लेकिन संस्कार भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, संस्कार भी साथ साथ चलते, तो ये विश्वास जो अंधविश्वास का ही एक रूप है कि खंडित मूर्ति घर में नहीं रखते, और वो मूर्ति इसलिए माँ की कमरे में रखवा दी जाती है, और वो भी कपड़ों के पीछे, ताकि सहज ही लोगों की निगाह वहाँ नहीं पड़े। वह मूर्ति जो है वो कहानी की कई पेचों को खोलने वाली है। घर बदला जा रहा है, बेटे का घर, यानी कहानी को पढ़कर जो चीज़ आपको पता चलती है उसमें स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि उस वृद्धा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी स्वतंत्र तरीके से जीना चाहती है और उसकी एक अलग कहानी बहुत हल्के हाथ से लेखिका ने लिखी है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे वो शायद
एक तरह से व्यंग भी कर रही हूँ। वो अपनी जीवन शैली को भी प्रश्नांकित करती चलती है। लड़की कई बार जब आत्मालोचन करती है, आत्मालाप करती है, तो कई बार अपनी जीवन शैली को प्रश्नांकित करती है कि उसके घर वाले क्या समझेंगे जैसे वो जी रही है। जिस तरह का वह आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और मुक्त जीवन जी रही है, उसके घर वाले, नाते रिश्तेदार जब देखेंगे और उसके मित्रों से मिलेंगे तो क्या समझेंगे। और इस तरह से कहानी में ये चीज़ जाहिर होती है कि दो बच्चे हैं उस वृद्धा के, और उन दो बच्चों में जो बेटा है वो सरकारी नौकर है, क्योंकि तमाम चीज़ों का जिक्र है, मेडिकल सुविधाओं का जिक्र है, CGHS का जिक्र है, जिस पर दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं और फ्री में इलाज सरकारी नौकरों के रिश्तेदारों और उनके घर वालों का होता है, मतलब निर्भर रिश्तेदारों और घर वालों का होता है, उसका जिक्र है। तो उससे जाहिर होता है कि बेटे को सरकारी सुंदर बंगला मिला हुआ है, तो कोई बड़ा उहदा बेटे का रहा है, क्या रहा है वो नहीं पता चलता। बहरहाल तो बेटे की नौकरी समाप्त हो रही है, अब घर बदला जाएगा, सरकारी फ्लैट से अब छोटे घर में जाया जाएगा। जाहिर है बहुत सारी चीज़ों को ले जाने का वक्त नहीं है, ले जाने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अब वहाँ कबाड़ का रूप धारण करेंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भविष्य में काम आएंगी, माँ के कमरे में ठूस दी गई थी, और अचानक वह वृद्धा कहानी के 100-150 पन्ने तक चलने के बाद उस वृद्धा में जो बिल्कुल हरकत रहित थी, बिस्तर पर लेटी, उसके अस्तित्व को पहचानना खोजना मुश्किल होता था, इतनी दुर्बल थी, इतनी निष्क्रिय थी और इतनी निरपेक्ष थी दुनिया के प्रति, अपने बेटे और उसके गृहस्थी के प्रति, बाहरी दुनिया के प्रति, कि लेखिका इस पूरे खंड को जो नाम देती है वो पीच। ये नाम भी प्रतीकात्मक, पीच यानी सामने का हिस्सा, शरीर का अगला हिस्सा, और पीच, पीच बिल्कुल असुंदर, मजबूत, लेकिन आप पीच का वर्णन बहुत ज़्यादा साहित्य में भी नहीं पाएंगे, और सौंदर्य के मानकीकरण में भी पीच की बहुत बड़ी भूमिका है। पीच एक निरपेक्ष और उपेक्षा, यानी किसी की तरफ से पीच फेर दो, है ना। तो पीच, दरवाजा, ये प्रतीक आते हैं शुरुआत के हिस्से में। दरवाजा वह जिससे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन वो जहाँ है वहीं खड़ा रहता, दरवाजा नहीं बदलता। दरवाजा भी प्रतीक है और पीच भी प्रतीक है। पीच उस स्त्री की निरपेक्षता का, उसकी तटस्थता का, उसकी निस्तंगता का प्रतीक है, जिसका लगाव उस टूटी हुई मूर्ति या बुद्ध की उस मूर्ति के साथ। वह स्त्री जिसने सारी गृहस्थी का भार अपने ऊपर ले रखा था, तो तमाम तरह की चीज़ें बनाती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वह गृहस्थी में रची बसी थी, लेकिन अचानक उसने उस गृहस्थी से पीठ फेर दी, और पीठ इस तरह से फिरी कि वह किसी भी तरह से सीधी होकर नहीं दे रही थी, यानी वो किसी तरह से सम्मुख नहीं हो रही थी, वो विमुख ही थी। यह जो तटस्थता, निरपेक्षता थी, और बेटे, बेटी, बहू, इन तीन किरदारों का वापस उस वृद्धा को जीवन में लौटा लाने की जो जद्दोजहद थी, वो कोशिश शुरुआत के 150-200 पन्नों तक चलती थी। बार बार बेटा कहता है, ये चीज़ माँ से पूछो, ये अचार कैसे बनेगा माँ से पूछो, भला ट्रे कहाँ रखी है माँ से पूछो, वो चीज़ कैसे तैयार होती है कोई खास व्यंजन वो माँ से पूछो। और इस तरह से माँ को दुनिया में इन्वॉल्व करने का जो उनका तरीका है, वह वही था जिसमें माँ अपने सक्रिय जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में इन्वॉल्व थी, और इस इन्वॉल्वमेंट से अब माँ उदासीन हो चुकी। वो नहीं चाहती कि उसको जगाया जाए, उसको फिर से उद्बुद्ध किया जाए और फिर से उसी दुनिया में ले जाया जाए जिसको वो छोड़कर आ गई है पति की मृत्यु के बाद। वो नहीं लौटना चाहती बहू की गृहस्थ चिकपिकती दुनिया में, वो चाहती, वो निरपेक्ष पड़ी है अपने उस अकेले कमरे में जहाँ टूटी हुई बुद्ध की मूर्ति रखी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसका उस गृहस्थी में, बेटे की गृहस्थी में कोई उपयोग तात्कालिक नहीं था, भविष्य में होगा, ये सोचकर, कब फेंके जाने लायक भी नहीं है ये सोचकर, वो चीज़ें माँ के कमरे में ठूस दी गई। अमरकांत की कहानी याद आती है, अगर आपने पढ़ी हो और वाकिफ हो तो अमरकांत की कहानी याद आती है, जहाँ वृद्धा माँ के घर में क्या स्थिति होती है, उस कमरे को देखकर, उस विवरण को देखकर उसकी याद आती है कि जहाँ सब कुछ जो अवांछित था
जो उपयोग में नहीं आने वाला था वो सब कुछ माँ के गमले में भेज दिया गया, और वृद्धा उन तमाम आवाजों पर जो उसे वापस उसकी पुरानी भूमिका में लौटा ले आना चाहती है कोई सहारा नहीं लेती, कोई हरकत नहीं करती, कोई इशारा नहीं करती, और वो वैसे ही तटस्थ ठंडी निरपेक्ष पड़ी रहती है। लेकिन जब ये घटना घटती है कि बेटे का तबादला सॉरी बेटे का रिटायरमेंट हो गया है और नए घर में जाना है, बहुत सारी चीज़ें अब हटा देनी होगी, और जाहिर है माँ के कमरे की भी तमाम चीज़ें हटेंगी, क्योंकि उस कमरे में रखी जाने वाली चीज़ों को लेकर बेटे और बहू में झगड़ा भी हो चुका, और बहू ने ताना दिया कि वो पूरा एक कमरा ढेर के पसरी तो रहती है, तो उस छोटे से फ्लैट में माँ के लिए कौन सी जगह होगी, एक चिंता थी बेटे बहू दोनों को। अचानक पोता एक किरदार है जो नाम के साथ आता है। दिलचस्प चीज़ ये है कि इस उपन्यास में किरदार नाम के साथ नहीं आता, रिलेशनशिप में आता है, बेटा बेटी बहू और एक और कैरेक्टर है जो कभी कभी आता है, जिसने उन उत्साह के क्षणों को आशा के उन बिंदुओं को एक तरह से चिन्हित किया है, मार्क किया है, उसका कोई नाम ही नहीं है, उसका नाम है मैं, और मैं तब आता है जब कोई उत्साह का मोमेंट आता है, क्षण आता है, रेनबो आता है, इंद्रधनुष आता है, तब वो आता है। और ये सारे अनाम कैरेक्टर हैं जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं इस उपन्यास में। दिलचस्प बात ये है कि लेखिका ऐसा सजग ढंग से कर रही है, क्यों कर रही है इसकी अभी बहुत व्याख्याएं आनी बाकी है। फर्स्ट रीडिंग में जो मैं समझ पाई हूँ वो ये कि अन्य जितने कैरेक्टर हैं जैसे रतिलाल हैं, सुशीला हैं, और भी जो नौकरों के जितने कैरेक्टर हैं और एक थर्ड जेंडर है रोजी, वो सब नाम के साथ आए, लेकिन जो उपन्यास के प्रमुख कैरेक्टर हैं जिनके जरिए कहानी आगे बढ़ती है, उपन्यास में जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है वो चरित्र होता है, और चरित्र अगर अनाम हो, माँ भी माँ हो, माँ का नाम चंद्रप्रभा देवी है, ये पाठक को तब पता चलता है जो 300-350 पन्ने पढ़ लेता है, उसके पहले तक वो अम्मा है, माँ है, गृहिणी है, रिश्तों में बंधी हुई है, और इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। तो बहरहाल तो ये चिंता होती है कि इस बुद्ध की मूर्ति को भी अब हटाना पड़ेगा, और सिद या पोता जो है सिद्धार्थ का शॉर्ट फॉर्म है सिद, तो पोता एक छड़ी लाकर अपनी ग्रैनी को देता है, और अचानक सब एक दिन देखते हैं कि ग्रैनी अपने बिस्तर पर उल्टा लेटकर उस छड़ी को आकाश में ताने को, वो छड़ी एक जादू की छड़ी बन गई। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने भी जो हमारे लैटिन अमेरिकी लेखक लेखिका हैं उनकी रचनाओं की याद आती है, क्लेरिस लिस्पेक्टर की एक कहानी है कि रविवार के आने से पहले, और उस कहानी का एग्जैक्ट नाम मैं भूल रही हूँ, मैंने उसका इस्तेमाल किया है कई जगह, तो उस कहानी में क्लेरिस लिस्पेक्टर इसी तरह की जादुई दुनिया की चर्चा करती है। एक शब्द है जो जादू का दरवाजा खोल देता है, और उस शब्द की चाबी किसके पास है, परिवार के अंदर उस शब्द की चाबी पिता के पास है, माँ के पास नहीं, माँ उस घर में हर जगह है, हर कोने कतरे में माँ है, लेकिन चाबी माँ के पास नहीं है। बच्चा बोर होता है और वो चाहता है कि उसको उस बोरियत से निजात मिले, और वो पिता से कहता है कि कुछ ऐसा खेलने का सामान उसे दो, तो पिता उसे शब्द की चाबी देता है, और वो चाबी लेकर वो एक नई दुनिया उसके सामने एक खिड़की खुल जाती है, और उस नई दुनिया में तरह तरह की चीज़ें देखता है, वहाँ सब कुछ है, नए नए शब्द हैं, जादुई शब्द हैं, और उन सबको देखकर वो भूलता नहीं है अपने पिता को, लेकिन भूल जाता है अपनी माँ। माँ सब जगह है, उसे सामान देती हुई, खाना खिलाती हुई, लेकिन माँ उसकी जादुई दुनिया में कहीं नहीं। तो ये इस कहानी में भी पूरे इस गृहस्थ परिवार में माँ सब जगह है, माँ कहाँ नहीं है, ये इस कहानी में ही एक पंक्ति आई है, माँ कहाँ नहीं है और कब नहीं थी, माँ सबकी है और सब जगह है, लेकिन माँ की आइडेंटिटी कैसे होती है, परिवार के भीतर क्या होती है, माँ की इच्छा अनिच्छा क्या होती है, उसके सुख दुख क्या होते हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते करते उसकी अपनी इच्छाएं कब कहाँ दफन हो जाती है, इसकी चर्चा
हम सब कभी नहीं करते, हमेशा सोचते हैं माँ से उसकी कहानी पूछ लेंगे, जीते जी पूछ लेंगे, पर बहुत कम को याद रहती है माँ से उसकी कहानी पूछना, उसके कोने अंतरे में झांक कर देखना, उससे उसके अंतरंग को जान लेना बहुत मुश्किल होता है। इस वृद्धा के अंतरंग को भी कोई नहीं जानता। उस मूर्ति की कथा को बाकी लोग जिस रूप में जानते थे और वृद्धा जिस रूप में जानती थी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। बाकी लोगों के लिए पिता द्वारा खुदाई में प्राप्त हुई खंडित मूर्ति थी, जबकि उस माँ के लिए उसके प्रेम का प्रतीक, वो मूर्ति उसके प्रेम की प्रतीक थी। और ये चीज बहुत बाद में हुई। तो माँ उस छड़ी के सहारे धीरे धीरे हरकत में आती, वो छड़ी तान कर कहती है मैं कल्प करूँ, और कल्प करूँ माँ अब कल्प तद हो जाती है। सत्य का एक नया फॉर्मेट है ये, और ये सत्य आपको जादुई दुनिया में ले जाता है। यहाँ कल्प करूँ जो इच्छाएं हम सामान्य रूप से पूरा नहीं कर सकते, वो अयाचित तरीके से कोई और दे जाता है, और सिर्फ इच्छा करने मात्र से ही आपको चीज़ें हासिल हो जाती हैं, श्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कल्प करो अपने घर का जितना भी सामान होता है, उसकी कमरे का, जिस पर वो अपना एक तरह से कह सकते हैं अधिकार शब्द गलत होगा, लेकिन जो उसके दायरे में था, उन तमाम सामानों को वो अलग अलग लोगों को वितरित कर देती है, लेकिन मूर्ति किसी को नहीं देती। मूर्ति लेकर वो चल देती है कहाँ, मूर्ति को सुरक्षित जगह पहुंचा दी। मूर्ति को लेने की इच्छा उसकी बेटी जाहिर करती है, और स्पष्ट नहीं होता कि मूर्ति को देने के लिए क्या वो बेटी के घर को निकली थी। उसे रास्ते में रोजी मिलती है, वही रोजी जो यूनक है, जो थर्ड जेंडर है, और रोजी को मूर्ति देकर रोजी ने उसे मकान बता दिया, क्योंकि माँ कभी दरवाजे के बाहर नहीं निकली। माँ का परिचय बाहर की दुनिया से नहीं था, दरवाजा जहाँ था वही था। दरवाजे से कुछ लोग अंदर आते थे और दरवाजे से कुछ लोग बाहर जाते थे, लेकिन माँ दरवाजा उलांग नहीं सकी थी। और जब एक बार उलांगती है तो जाहिर है रास्ता खो जाती है, वो भटक जाती है, और काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद वो बेटी को पुलिस स्टेशन में मिलती है। पहली बार बेटी वहाँ अनवर का नाम सुनती है, शौहर अनवर कुछ ऐसा ही शब्द, और वो सारे शब्द इस तरह के होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका कोई तार्किक क्रम नहीं होता। और इस क्रम में, इस अतार्किकता में पाठक को भी लगता है कि ये क्या अजीब अजीब तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। आप देखिए विभाजन की जितनी कहानियां हैं हमारे सामने, जितनी कथा रचनाएं हैं हमारे सामने, अगर आप उसका केवल भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कीजिए तो बहुत दिलचस्प नतीजे सामने आते हैं। विभाजन की तमाम कहानियों में जो संवाद अदायगी है, शब्द का प्रयोग है, उसमें एक तरह की अतार्किकता, क्रम रहितता और गैप्स, दो शब्दों के बीच में अंतराल, खाली जगह, रिक्त स्थान आपको खूब मिलेगा। मंटो की तमाम कहानियाँ इसका उदाहरण है। कृष्णा सोती सिक्का बदल गया में अतार्किक या अटपटे शब्द तो शाही नहीं कहती, लेकिन वह जिस तरह से अपनी भंगिमाओं से और बाकी मुद्राओं से जाहिर करती है, वह उस अतार्किकता को, उस अटपटेपन को जो उस सिचुएशन में निहित है, उसको स्पष्ट कर देता है। तो विभाजन की कहानियों में, लेकिन अभी तक पाठक को नहीं पता कि पुलिस स्टेशन में बर्राने वाली ये जो माँ है, ये क्या वाकई पागल हो गई है, विक्षिप्त हो गई है, इस तरह की भाषा क्यों बोल रही है, उसका शौहर अनवर कौसर इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो क्यों कर रही है। ना बेटी समझ पाती है, ना उसके अन्य कोई रिश्ते नाते के लोग समझ पाते हैं, और माँ अब थोड़ी से चेंज के लिए बेटी के घर चली आती है। बेटी जिसके घर को वाकई में घर नहीं कहा जा सकता। घर कैसा था? उसका घर बिना दीवार का था, बहुत खुला, हरियाली से अटा पड़ा। बालकनी खोलो तो सामने हरियाली दिखती थी। ड्राइंग रूम, पर्सनल रूम का कोई विभाजन नहीं था, बस कुछ पत्ते, कुछ घास, जूट की चीज़ें ऐसे लटक कर केवल आभास देती थी कि ये उसका स्टडी है, ये उसका पढ़ने का कमरा है, ये उसका बाथरूम है, इत्यादि इत्यादि। अन्यथा उसके घर में एक विषम खुलापन था जो उसकी ज़िंदगी की तरह ही था। वह
परिवार की जो पुरानी संरचना है उससे बाहर निकल रही थी। हालांकि इसके लिए उसको काफ़ी सामाजिक आलोचना चाहिए हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि गीतांजलि श्री इस उपन्यास के शुरुआत में ही कहती है कि कौन कहता है कि संयुक्त परिवार मर गया, संयुक्त परिवार खत्म हो गया। ये मरा नहीं है, ना ही खत्म हुआ है, बल्कि संयुक्त परिवार का स्वरूप बदल गया है। हमें अभी ज़रूरत है एक दूसरे की, निश्चित तौर पर है, लेकिन संयुक्त परिवार का जो स्वरूप बदला है वो किस तरह से बदला है उसको वो बेटी के घर और माँ बेटी के संबंधों के माध्यम से स्पष्ट करती है। बेटा माँ को अपने साथ रखे हुए था और अब उसने बेटी के घर माँ को भेज दिया, ये कहते हुए कि अच्छा है, माँ का थोड़ा बदलाव हो जाएगा, मन बदल जाएगा और तब तक हमें भी समय मिल जाएगा, हम अपने नए घर को व्यवस्थित कर लेंगे और फिर माँ को वापस ले आएंगे। लेकिन माँ वहाँ जाते ही आमूल चूल बदल जाती है। बेटी उसे धीरे धीरे बदलने की कोशिश करती है और वह जो संवेदनात्मक क्रिया प्रतिक्रिया है, संवेदनात्मक एक्सचेंज है माँ बेटी के बीच, वह माँ में बुनियादी परिवर्तन लाता है। वह स्त्री जो गठरी बनी हुई थी, ध्यान रखिएगा विभाजन की तमाम रचनाओं में और स्त्री संबंधी रचनाओं में विशेषकर गठरी ही एक प्रतीक है जिसको लेखिका ने इस्तेमाल तो किया है लेकिन उसको प्रमुखता नहीं दी, जबकि गठरी, स्त्रियों की गठरी विभाजन की तमाम कहानियों में, रचनाओं में गठरी बनी स्त्रियां, बोरी में ठूसी स्त्रियां, इस तरह की जो चीज़ें, गठरियां, तमाम गठरियां जो हैं स्त्रियों की विभाजन की कहानियों में और उपन्यासों में दर्ज है, लेकिन यहाँ गठरी कुछ बार आई है वो भी आखिरी हिस्से में। तो वो माँ जो बिस्तर पर गठरी बनी बैठी रहती थी वो बेटी के घर जाकर हरकत में आ गई। बेटी का एक प्रेमी भी है और वो पति भी कहा जा सकता है क्योंकि बेटी शायद जो संदर्भ मिलते हैं लिव इन में रहती है और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण बेटी को संकोच होता है कि अगर माँ के सामने वह जो अनाम उसका प्रेमी है जिसका नाम के वो के आ जाएगा तो माँ उसको कैसे लेगी, इस संबंध को कैसे समझेगी, क्योंकि माँ की दुनिया और बेटी की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, बेटी की जीवन शैली में भी अंतर आ रहा है, बेटी के का जो कार्यक्षेत्र है उसमें भी अंतर आ रहा है, वो सरकारी नौकर नहीं है, वो लेखिका है, बेटी की आइडेंटिटी है, बेटी की एक पहचान है, वो लेखिका है और उसके काम को लेकर घर में जो माहौल है कि वह अपना काम कहीं भी कभी भी कर सकती है, तो माँ के साथ रात को अस्पताल में सोने के लिए बेटी सबसे मुफीद रखती है क्योंकि वो तो एडजस्टेबल है उसका वर्क, उसके काम को परिवार के भीतर क्या तवज्जो मिलती है, इन तमाम चीज़ों से हम समझ सकते हैं। और फिर माँ वहाँ जिस तरह से हरकत में आती है, चीज़ों को ग्रहण करने लगती है और एक तरह से उस कबाड़ तरह की बहुत सारी चीज़ों से वो नई चीज़ों का उत्पादन कर लेती है रोजी के माध्यम से, रोजी उससे तमाम तरह के कलात्मक चीज़ें जो माँ कभी बनाया करती थी, जानती थी, वो तमाम चीज़ों को बनवाती है और उसको किसी संस्था के जरिए, चैरिटेबल संस्था के जरिए लोगों में बंटवाती है, एक तरह से धर्मादा काम का जो माँ रोजी के साथ मिलकर कर लेती है। लोगों को अटपटा लगता है रोजी और माँ का रिश्ता और उसके बेटे को भी ये रिश्ता अटपटा लगता है, बेटी को भी कभी कभी अटपटा लगता है और कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। बाद में खुलता है कि ये रोजी कोई और नहीं, जब पाकिस्तान से भागते समय एक 11 साल की बच्ची जिसने माँ का हाथ पकड़ लिया था अपने जीवन की रक्षा की उम्मीद में, ये वही लड़की है रोजी और रोजी की मृत्यु उस कहानी में हो जाती है। एक वाक्य में एक एपिसोड आता है और रोजी मर गई, एक अध्याय एक लाइन रोजी मर गई, ये कहानी है। और रोजी जब मरती है तो माँ की इच्छा और जाग जाती है कि वो एक बार पाकिस्तान जाएगी और क्या लेकर जाएगी, कलौंजी लेकर, कलौंजी के दाने लेकर जाएगी क्योंकि रोजी ने कहा था कि उसे पाकिस्तान किसी को देना है, चिरौंजी के दाने लेकर जाएगी, तो पाकिस्तान में चिरौंजी के दाने उसको किसी को देना है, इसलिए रोजी की वो इच्छा थी। रोजी ने बताया था कि शहर ऐसा है, इसकी गलियाँ ऐसी हैं और रोजी के लिए वो पाकिस्तान जाना चाहती। बेटा बड़ा अफसर था, उसने तुरंत ये चीज़ व्यवस्थित कर दी
पासपोर्ट का प्लान रोजी के रहते रहते ही बन रहा था, लेकिन तत्काल ही पासपोर्ट मिल जाता है क्योंकि बेटा उनका सरकारी अहदे पर एक बड़ा अवसर था, आसानी से पासपोर्ट बन जाता है, बिना वीजा के दोनों पाकिस्तान चले जाते हैं। और अब फिर हद सरहद शुरू होती है, वहाँ कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है, वो उसका एक पूर्व पति होता है जिससे उसका पहले ही विवाह हो चुका होता है, और ये विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होता है जो कि 1870 का स्पेशल मैरिज एक्ट रहा था, उसके तहत ये विवाह होता है। कहानी में इसको विश्वसनीय बनाने के लिए एक वाक्य जोड़ा गया है, और वो वाक्य है कि ये नई पीढ़ी की सोचती है कि उसी ने रूढ़ियाँ तोड़ी, उसी ने परंपराओं को उलांघा है, हम पुराने लोग क्या हमने कुछ नहीं किया अपने ज़माने में, हमने भी इश्क किया है, प्रेम किया है, हमने भी रूढ़ियाँ तोड़ी है, हमने भी चीज़ों को बदला है, ये क्यों नहीं समझती नहीं। और इसके साथ ही साथ एक और वाक्य इसके नीचे ही आता है जस्ट इससे लगा हुआ, कि दो पीढ़ियों को ये तो समझना चाहिए कि दोनों पीढ़ियों ने कुछ कुछ किया है, अगली पीढ़ी जो आगे बढ़ी है वो पिछली पीढ़ी के साथ ही उसके किए पर ही आगे बढ़ी है, लेकिन अगर दोनों पीढ़ियों ने अपने अपने जमाने में रूढ़ियाँ तोड़ी, परंपराओं को उलांघा, तो गलतियाँ ही इसे स्वीकार करने में क्या कष्ट, दोनों पीढ़ियों को जैसे विभाजन की गलतियाँ, सांप्रदायिकता की गलतियाँ, वैमनस्य की गलतियाँ, ये तमाम चीज़ें हमने की होंगी, हमने सरहदें बनाई होंगी, तो सरहदों को बनाने में जो हमारी ईर्ष्या का, हमारी जाहिलियत की जो भूमिका रही, उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। और सरहद को लेकर एक लंबा चौड़ा वक्तव्य माँ द्वारा पुलिस अफसर को दिलवाया जाता है, बहुत लंबा वो एक संवाद है। इस उपन्यास में आमतौर पर संवाद नहीं है, डिस्क्रिप्शन विवरण विवरण में उपन्यास चलता है, लेकिन सरहद को लेकर माँ का जो संवाद है वो काफ़ी लंबा चौड़ा संवाद है, और वहाँ वो सरहद की व्याख्या करती है, और वो कहती है सरहद बांटने के लिए नहीं होता, सरहद तो उलांघने के लिए ही होता है, सरहद क्रॉस करने के लिए होता है, और अगर वो क्रॉस करके पाकिस्तान आ गई है तो क्या गलत किया है, सरहदें बनी ही इसलिए हैं कि एक दिन आप उसे मिटा दें। और इस तरह से एक नया पक्ष इस कहानी में दाखिल होता है। बहरहाल मैं जो बात आपसे कह रही थी कि ये तो कहा स्त्री के पक्ष के जरिए कहानी का एक संक्षेप मैंने आपके सामने रखा, इसकी बहुत सारी बातें भी रखी, लेकिन इसके शीर्षक पर भी गौर कीजिए, रेत समाधि, यानी रेत की समाधि। और रेत क्या है? रेत कण है, रेत कभी उड़कर मुंह में चली जाती है, कभी आंखों में चली जाती है, रेत आपके शरीर से लिपट जाती है, रेत आपको निश्चल बना देती है, रेत आपको जड़ भी बना सकती है, और रेत आपको स्थायी तौर पर एक मुजस्म भी बना सकती है। तो रेत चमकीली है, रेत लुभावनी भी है, और रेत अगर उड़े तो अतीत के बहुत सारे परते आपके सामने खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं, और रेत के कण, यहाँ रेत समाधि है। माँ बार बार माँ के संदर्भ में, बुद्ध के संदर्भ में रेत और रेत समाधि की याद की है, रेत जीवन की है, रेत में जो मृत मरीचिका है उसकी भी कीमत है, क्योंकि उस मृत मरीचिका को पकड़ने के क्रम में आदमी जिंदा कोशिश करता रहता है, जीने की इच्छा बचाए रखता है। शायद रेनबो की चर्चा है इस उपन्यास में, लेकिन मिराज जो रेत की खूबी है, मृत मरीचिका जो रेत की खूबी है, वो इस उपन्यास में कहीं नहीं आया, जिसे मुझे लगता है आना चाहिए था। अनवर जो है वो उसके लिए मृत मरीचिका ही है जिसका पीछा करते करते वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन यहाँ रेनबो है, रेनबो आशा और उत्साह का प्रतीक है जो उस मैग कैरेक्टर के जरिए आता है, और वो एक तरह से उस निश्चल वृद्धा को जैसे हरकत में लाने के लिए, उसके जागृत स्थिति को दर्शाने के लिए उस एपिसोड को बढ़ा गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि रेत सब कामनाओं और इच्छाओं का त्याग भी है, रेत समाधि जो है सभी कामनाओं और इच्छाओं का त्याग भी है। समाधि की अवस्था में हम तभी जाते हैं जब हमारी कामनाएं हमसे अलग होती हैं, हम उनका त्याग करते, पूरी वो कभी नहीं होती, लेकिन हम उनका त्याग करते हैं, हम उन्हें तृप्त मान लेते हैं और छोड़ देते हैं।
और रेत कण जोड़ती, रेत का कण केवल अस्तित्व मान हो। ध्यान रखिएगा, मुझे यहाँ अज्ञे की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। नदी के द्वीप, हम द्वीप हैं और अगर मिटेंगे तो रेत बनेंगे। अज्ञे कहते हैं नदी के द्वीप में, कहते हैं तुम माँ हो, नदी माँ है और व्यक्ति जो है वो द्वीप है, वो अगर मिटेगा तो रेत का कण बनेगा और फिर उसी नदी में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो ये रेत और नदी का रेत समाधि का इस तरह का जो बिंब है, ये बहुत अनचिन्हा बिंब नहीं है। रेत अकेले कण, रेत का कण अपने में कोई माने नहीं रखता। रेत कण कण जोड़कर ही अपने अस्तित्व को भासमान करती है, उजागर करती है। तो यहाँ लेखिका ने, अब मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहती हूँ जो इस उपन्यास के, कह सकते हैं, आलोचना के पक्ष में और थोड़ा सा लंबा नाम हो गया हो तो मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखूंगी। जैसे कुछ ऐसे भी बोल रही थी, चूंकि मैं भाषा के संदर्भ में आपसे कहना चाहती हूँ कि इस उपन्यास में या तो जाने या अनजाने भाषा के विलक्षण प्रयोग हैं। जाहिर है कि सारे प्रयोग अनजाने नहीं होंगे, लेखिका ने जानबूझकर उन प्रयोगों को किया होगा और उससे एक नई भाषा गढ़ने की प्रक्रिया शायद हिंदी उपन्यास में और उसके शिल्प में विकसित होगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन ये भाषा क्यों, क्या लेखिका नहीं जानती कि हिंदी की जो खड़ी बोली है और हिंदी उपन्यास का जो ढर्रा है, ढांचा है, वो किस तरह का है, कैसी भाषा उसमें संप्रेषणीय हो सकती है और कैसी थोड़ा सा उबड़ खाबड़पन को लेकर हमें डिस्टर्ब कर सकती है। लेखिका खूब जानती है इस उपन्यास में जितनी चीज़ें, जितने चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, कौन सा आंदोलन है जिसकी चर्चा नहीं की। उपन्यास की अपडेटिंग भी, ये उपन्यास अगर विभाजन पर है तो ध्यान रखिएगा कि विभाजन पर लिखे गए अन्य उपन्यासों के साथ इसकी तुलना की जाएगी। सन 1918 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ और यही वो समय है, उसी के आसपास का वो समय है जब कमलेश्वर कितने पाकिस्तान में थे, कृष्णा सोफी गुजरात हिंदुस्तान, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक लिखती है और उनका पहला उपन्यास भी, कृष्णा सोफी का पहला उपन्यास भी इसी दौरान छपता है जो कि पंजाबी अथवा पंजाबी भाषा से भरा हुआ। बहरहाल ये इन सब उपन्यासों के साथ रखकर ही इस उपन्यास को देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी थीम, जो कि अगर विभाजन से काटते, हद सरहद को काटते, यानी आखिरी हिस्सा इस उपन्यास का काटते, तो ये उपन्यास एक पश्चिमी स्ट्रक्चर को हमारे सामने, उपन्यास लेखक के जो पश्चिमी यूरोपीय स्ट्रक्चर है उसको हमारे सामने लाता है। आप इस उपन्यास को पढ़ें या अरुंधति राय का उपन्यास, मुझे बार बार इसको पढ़ते हुए याद आ रहा था, जैसे वो रैचल के चरित्र का विवरण देती है, परिवेश का विवरण देती है, पर्यावरण की चर्चा करती है, तमाम चीज़, कुछ फॉर्मूला है जिसमें इस उपन्यास में इस्तेमाल किया गया है। मसलन लेखिका ने बहुत स्पष्ट कहा है, औरत, सरहद, पर्यावरण, विभाजन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है किसी कहानी के बारे में। पर्यावरण पर चर्चा करें और वहाँ कौओं की सभा लगवाएं और कौआ ऐसा जो आपकी भाषा समझता, मनुष्य का अंतर्मन जानता और वो तमाम चीज़ों की चर्चा करता हो जो बड़े के मन में आ रही है। और यही नहीं, कौआ भूत भी बन जाता है। कौआ भूत बनना कोई नई घटना नहीं, हिंदी साहित्य भरा पड़ा है। कागा सप्तम खाइयो, दो नैना मत खाइयो, पियो मिलन की आस, ये कागा रहा है, भूत रहा है। कागा को भूत बनाना नई चीज़ नहीं, पक्षी भूत रहे हैं। लेकिन हिंदी उपन्यास में इस तरह का स्ट्रक्चर लेकर आना और कौओं की सभा कराना, कौओं में एक नारीवादी कवि का कल्पित करना और नारीवादी स्त्रीवादी ना कहकर नारीवादी कहना, ये अपने आप में मीनिंगफुल है। और यही एक चीज़ और कहती हूँ कि विभाजन पर बात करेंगे हम और सांप्रदायिकता पर बात नहीं करेंगे।
धार्मिक उन्माद पर बात नहीं करेंगे तो विभाजन पर बात पूरी होगी। हद सरहद पढ़ते हुए जो आखिरी हिस्सा है इस उपन्यास का, अगर आप उसे पढ़ जाएं तो एक जबरदस्त रोमानी प्रेम कथा लगती है। अटपटी भाषा का इस्तेमाल शुरू से लेकर 300 पन्नों तक रहता है, उसके बाद जो कथा में रवानगी आती है वो वही अंश है हद सरहद वाला, जहाँ कहानी कहानी पर मिटल दी, अन्यथा तो एब्सर्ड भी कह सकते हैं। कहानी जिस तरह से लिखी गई है उसे हम एब्सर्ड भी कह सकते हैं। विवरण से भरा हुआ है, विवरण ज्यादा है और इतना ज्यादा है कि कई बार वो उबाऊ लगता है। तो जो कहानीपन है जहाँ वो आ रही है चीजें, उस कहानीपन में जो आत्मीय शैली के भीतर में ढलकर चीज आ रही है, वहाँ विभाजन की बात कर रहे हैं, विभाजन में खोए हुए प्रेम की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रेम क्या स्त्रियों ने ही केवल खोया होगा? अगर इस विभाजन केवल आप फोकस कीजिए हद सरहद पर तो आप गौर करेंगे कि वहाँ एक स्त्री और एक नहीं अनेक स्त्री जो ट्रक में लाद दी गई है गठरियों की शक्ल में, बच्चे नहीं है, पुरुष नहीं है। विभाजन ठीक है, हमेशा स्त्रियों के देह पर विभाजन का एक बड़ा जलजला गुजरता है, युद्ध का गुजरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विभाजन का दंश जो है केवल स्त्री नहीं झेलती, दोनों तरह के दो और जितने भी लोग हैं उसमें तमाम सेगमेंट के लोग हैं, धार्मिक पहचान के लोग हैं, राजनीतिक पहचान के लोग हैं। यहाँ धर्म नहीं है, धार्मिक उन्माद नहीं है, राजनीतिक कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। और तो और अमेरिका इजराइल की चर्चा है, दो तीन बार अमेरिका में ऐसा होता है वैसा होता है पासिंग रेफरेंस के तौर पर आता है। इजराइल की एक बार चर्चा होती है कि इटली और इजराइल में, शुरुआत में होती है कि इटली और इजराइल में अगर आप जमीन को जरा सा भी खोदें तो मूर्तियाँ निकल आए, समाधियाँ निकल आए, तो बेहतर है कि उसे दाब दो जमीन में, समाधियों को उजागर करने की जरूरत नहीं है। समाधियाँ डिस्टर्ब करती हैं, समाधियाँ आपको अतीत में ले जाती हैं, समाधियाँ आपको स्मृति में ले जाती हैं, और स्मृति हमेशा सुखदायी नहीं होती, स्मृति दुखदायी भी होती। तो इटली और इसराइल की जमीन की खासियत बताते हुए इसराइल की भी चर्चा है, लेकिन भारत पाकिस्तान औपनिवेशिक भारत और उसमें बन रही जो राष्ट्रीयता है, इन तमाम चीज़ों की चर्चा नहीं है। अब इसको लेकर दो तरह से हम बात कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आप राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र के बनने वाले तमाम, राष्ट्र कैसे बनता है उसके तमाम उपकरणों की बात करें, भाषा, राष्ट्र के बनने की सबसे आवश्यक शर्त है भाषा, भौगोलिक सीमा, साझा संस्कृति और राजनीतिक एक अनुशासन या तंत्र जो भी, तो ये इसमें से लेखिका सुविधा से भाषा को चुन लेती है। केवल भाषा पर बात करें, कौवे कौओं की भाषा पर बात करें, पशु पक्षियों की भाषा पर बात करें और नौकर चाकर सबकी भाषा पर हम बात करें, भाषा पर खूब लेक्चर है इस उपन्यास में, लेकिन भाषा के अलावा भाषा भूगोल नहीं है। भाषा राष्ट्र की जो संरचना में एक तत्व है, लेकिन वही एक तत्व नहीं है, बाकी चीजों को वो छोड़ देती है। वहाँ राष्ट्र की पहचान के जो अन्य रूप हैं, जहाँ राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था, संस्कृति, रवायत, ये तमाम चीजें आती हैं, उसको वह नहीं पकड़ती। संस्कृति भी गायब, दिलचस्प बात यह कल्चर नहीं है इस उपन्यास में कहीं। आप संस्कृति के अंश ढूंढिए, एक कल्चर है जो मिडिल क्लास की जो पार्टी कल्चर है वो जरूर है, शुरुआत में जहाँ माँ को उठाने के लिए माँ से पूछो कौन सा शरबत में क्या डालना है, माँ से पूछो दाल कैसे बननी है, माँ से पूछो, ये माँ को प्रवोक करने के लिए, उद्बुद्ध करने के लिए ये पंक्तियाँ आती हैं। सभी चाहते हैं माँ कुछ बोल दे, माँ हिल जाए बिस्तर में, लेकिन ऐसा होता नहीं। बस एक कल्चर जो कि मैं कल्चर संस्कृति के बिना उपन्यास कैसे बन सकता है, और उपन्यास बनेगा तो वह एकांगी उपन्यास होगा। आप संस्कृति को छोड़कर, मतलब जिस देश की कहानी है उसकी भूगोल, उसकी भूगोल की चर्चा तो थोड़ा बहुत आपने भारत पाकिस्तान के संदर्भ में कर दी, लायलपुर है, लाहौर है, कराची है और कहीं कहीं दिल्ली है, पुरानी दिल्ली भी थोड़ा बहुत एक आध जगह, लेकिन लायलपुर का कल्चर भी होगा, संस्कृति भी होगी, लाहौर की संस्कृति भी होगी, भारत के विभिन्न शहरों की संस्कृति होगी, वो क्यों गायब है? खुद स्त्रियां जो संस्कृति की बाहर है
ट्रांसलेट करती हैं, उसको व्याख्यायित और पुनर्व्याख्यायित करती हैं, वो स्त्री अगर कथा की नायिका है तो संस्कृति को आना चाहिए था। संस्कृति इतनी यूजलेस चीज़ नहीं है कि आप उसे आधुनिकता के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर या न्यू डिस्कोर्स के नाम पर छोड़ दें। संस्कृति में आपको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, और चाहे आप संस्कृति की नई व्याख्या पेश करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कृति केवल एकांगी और एक तरफा और केवल एक ही वर्ग की नहीं। आप वर्ग को नेगेट कर रहे हैं, राष्ट्र की अवधारणा को नेगेट कर रहे हैं, और बॉर्डर को भी नहीं मान रहे, सरहद को भी नहीं मान रहे। ये तीनों चीज़ें हैं, और आप किस चीज़ को मान रहे हैं? भाषा को मान रहे हैं। भाषा वह जो जोड़ती है, मनुष्यों को जोड़ती है और मनुष्यतर संसार को भी जोड़ती है, ठीक है। लेकिन भाषा जोड़ने के साथ साथ, भाषा के साथ साथ ये तमाम चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, जिसकी आप चाहे जिस रूप में चर्चा करते लेकिन करते। स्त्री के पक्ष से हम एक बात कह सकते हैं कि स्त्री के लिए ना तो बॉर्डर बहुत यूजफुल है, न राष्ट्र की परिकल्पना बहुत यूजफुल है, न संस्कृति में अब तक उसकी जिस तरह की हिस्सेदारी रही वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर लेकिन ये तो मुख्य डिस्कोर्स का हिस्सा है ना, राष्ट्र भी है, सीमाएं भी हैं, संस्कृति भी है, इस भाषा की इसे हम छोड़ कैसे देंगे? रीडिफाइन करेंगे, पुनर्व्याख्यायित करेंगे, अपने अपने पक्ष विपक्ष को स्पष्ट करेंगे कि हमें कैसे संस्कृति चाहिए, हमें कैसा राष्ट्र चाहिए, हमें उस राष्ट्र में स्त्री की कौन सी भूमिका चाहिए, बाकी लोगों की कौन सी भूमिका चाहिए। स्त्री की बात करना केवल स्त्री की बात करना नहीं, स्त्री की बात करना स्त्री के नज़रिए से बात करना है जो पूरे समाज के लिए की जा सकती है। तो ये उपन्यास का एक ऐसा पक्ष है जो भटकता है। 376 पन्ने का उपन्यास संस्कृति की एक चर्चा नहीं। आपको संस्कृति याद आती है तो छल्ले कपड़ों में संस्कृति याद आती है, संस्कृति याद आती है तो बेटे के तौर पर बेटे की स्मृति में आती है कि माँ के लिए वो कहाँ कहाँ किन किन शहरों से साड़ियाँ लेकर आए। संस्कृति केवल साड़ी नहीं है, संस्कृति का फलक बहुत विराट है, और उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत ही एक आधुनिक लेखिका से, खास करके स्त्रीवादी लेखिका से। गीतांजलि श्री 1987 में उनका पहला जो कहानी, उनकी जो कहानी हंसमुख शक्ति है, जिससे मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं एक लेखिका के तौर पर मैंने उनको जाना, वो बेलपत्र था, और बेलपत्र बहुत सशक्त कहानी थी। तो एक आशा बंधी थी, इतना न्यूट्रल, इतना उदासीन, इतना तटस्थ समाधि महिला की हो सकती है, लेखिका की तो नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।